ओके ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली जिंदगी में इतनी उथल पुथल के बाद फाइनली एल्विश यादव और उनकी पूरी फैमिली जा रही है फंक्शन में, जहां पर एल्विश यादव बन चुके हैं चाचू। जी हाँ, एल्विश यादव बन चुके हैं चाचा, उनकी मम्मी की बहन और उनके बेटे का बेटा हो रखा है। करेक्ट मी इफ आई वॉज रॉन्ग, तो जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर एल्विश यादव चाचा बन गए और इसी खुशी में पूरी फैमिली एक बार फिर से साथ में, उनकी बहन हो गई, उनकी मम्मी हो गई, पापा और खुद एल्विश यादव, चारों के चारों मिलके फंक्शन में जा रहे हैं। तो यार, लाइफ में इतनी टेंशन के बाद फाइनली फैमिली को टाइम मिला है कुछ एक बहुत बेस्ट मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए। देखते हैं एल्विश यादव का पूरा न्यू व्लॉग। और इसी के साथ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टू ऑल एल्विश यादव फैंस, यार एल्विश यादव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार सिस्टम अटका हुआ है, थोड़ा सिस्टम चला दो, तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट रिलेटेड कॉन्टेंट। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स बूम। तो यहां राव साहब हो रहे हैं तैयार फॉर द फंक्शन। कितने टाइम बाद डेली व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सीज में पड़ गए थे। सही बात है। मम्मी को पसंद नहीं आ रहा है। इसके ऊपर पहनू क्या फिर मैं? भाई यो क्या पैंट ले ली मैंने, इसके ऊपर पहनने का ही ना। फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, ये पैंट ले ली मैंने इस कलर की। इस पे पता है वाइट जमेगी मम्मा, वाइट एब्स दिख गए थे मेरे अभी ना। हाँ सुन ली, मेरे घर वाले ऐसे हैं, एक जना बोल देता अच्छी लग रही, फिर सारे आगे बोलेंगे ये तो छीन लग रही, ये तो छीन लग रही। दूसरा देना मम्मा कुछ। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके ऊपर ना वाइट ज्यादा अच्छी लगेगी भाई, वाइट शर्ट अच्छी लगेगी इसके ऊपर। दिखाना, अरे लो भाई ये वाली जो ट्राई मार के देख लो। और इसके ऊपर क्या अच्छी लगेगी, ये पैंट ही बेकार लग रही है मुझे। इसमें वाइट टी-शर्ट अच्छी लगेगी बस। तो एक काम करते हैं, वाइट टी-शर्ट के ऊपर फिर कोई जैकेट पहन लेते हैं। गर्मी कहाँ है, मैं तो वहां से निकल जाऊंगा जल्दी। हाँ ये सही लग रहा है भाई, सही लग रही है। हाँ भाई, हाँ भाई सही लग रहा है। मेरे पे तो कपड़े अच्छे लग रहे, खराब खत्म हो गए। जो कंपैरिजन ही अच्छा ना लग रहा। ओह माय गॉड, क्या पहने, क्या पहने, अरे पेट दिख गया। भाई घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया मुझे, कह रहे भैया तू तो अच्छा नहीं लग रहा हमारे साथ, तू मत जा। क्या पहनूं, हमारे साथ मत जा, बट इट्स गुड। वाइट टू ब्लैक शिफ्ट हो गया, आदमी आया कोई। लेदर जैकेट, ब्लैक शर्ट, नाउ ही इज रेडी। यू क्या हो गया मेरे गाइस, पूरी फैमिली ट्रिप। हेलो जी, हेलो हेलो, वो आ गई ओल्ड फैमिली, फाइनली ओल्ड फैमिली वाइब्स, ओल्ड फैमिली की शादी से पहले वाली वाइब्स कि ले हुए सारे जने वापस, बट थोड़ी एज सबकी थोड़ी ज्यादा हो रखी है। उस टाइम पे दाढ़ी कम थी, मेरे दाढ़ी ज्यादा हो रखी है। पापा की इस टाइम दाढ़ी सफेद हो रखी है। नाउ अंकल जी की, बट इट्स ओके, मम्मी बेचारी बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी इज ऑलवेज जवान। कहाँ जा रहे हैं मम्मा, बताना एक बार, एक्सप्लेन करना। मौसी मेरी वो बन गई दादी, सही कही मैंने? सही कह रहा। मेरी मम्मी की जो वो है कट्टर चुगली पार्टनर। और क्या कहूँ, और क्या क्या वो जिससे मम्मी के सबसे ज्यादा बने हैं, मतलब कि मेरे मौसी, मेरी मौसी के लड़के, मतलब मेरे भाई के लड़का हुआ है। तो हम जा रहे हैं कुआं पूजन पे। कब हुआ मम्मा, कितनी तारीख को? 10 फरवरी। अच्छा एक नंबर ही, वेरी नाइस। चलो भाई बहुत बढ़िया, जाएंगे दूसरी साइड की फैमिली से मिलवाते हैं और उससे भी मिलवाते हैं, मेरे भतीजे से। और भी किसी से मिलना है उधर मम्मा? मैं तो ये सोच रहा था कि भतीजा भी लाइक एल्विश यादव चाचा है हमारे, बड़ा होने के बाद एल्विश यादव चाचा है हमारे। Oh my God, full family वो है आज। क्या कहते हैं उसको? Get together, yes. Family मिला ना। Okay. और बढ़िया, सूरज भी आ रहा पीछे से, देखना बढ़िया। Okay जी, see you guys, bye bye. भाई प्रोग्राम में पहुँचते पहुँचते मुँह की रौनक खत्म हो जा। इतनी दूर प्रोग्राम करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में किधर मामा? कमरुद्दीन नगर यार, कितना दूर है, ट्रैफिक कितना है, सारे दुखी हो गए हम तो।
पापा दिल्ली दुखी हो गए गाड़ी ट्रैफिक का रिलेशन कह रहे भैया हम जन्म से टाइम इतना लग रहा ट्रैफिक में खड़े हैं अभी भी बताओ ये देखो साइड में पहुंच इनका ट्रैफिक नहीं चल रहा हमारा चल रहा है पार्किंग पे खड़ी कर रखे कुछ काम से आए हैं एक्चुअली क्या है ना पापा को बीच में वो बीड़ी पीनी थी जस्ट किडिंग शरीफ करके भैया हमारा कुछ ना बीड़ी कोई ना पीता देसी उक्का पी जा कभी कभी क्यों नाम खराब कर रहे हो पापा बेचारे क्या दोबारा बोलना क्यों नाम खराब कर रहा है मेरे पति का तू साढ़े मजा से कोई दिक्कत ना है अभी चलेंगे थोड़ी देर में और पूरा प्रोग्राम सेट कैसा लग रहा हूँ ऐसा ही लगूं मैं से हर बार बता देना फिर भी भाई ये बंद कैसे होता ये बंद ना हुआ भाई ये डायरेक्ट चलता है इधर आओ मामा जी मेरा बज रहा है क्या ये कैसे रिंग टोन है मेरे इसकी टुनुंग टुनुंग सी पापा तो हेलो मैंने हाँ खाना खुना खा लिया कितनी देर में चलना है मैं अंदर ही मंगा के खा लिया मैंने तो सब कुछ आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ 2 मिनट तो आ रहा हूँ आओ जी मामा जी कहानी कंटिन्यू भाई जिसको नहीं पता मैं एक बार ना पीछे का ब्रीफ दे देता हूँ कि मामा जी जो है इनकी शादी सरदार फैमिली में हुई है भाई करें। और ये इनका लड़का भी है मतलब मेरा हुआ ये भाई ये मेरा भाई हुआ ये यादव ही है गौरांश यादव ये मेरा भाई है मामा भी यादव ही है कि भाई जस्ट सो यू नो पता होना चाहिए सबको भाई हाँ भाई अब बताओ कितने साल का रिलेशन 2011 से स्टार्ट हुआ और 20 में शादी हुई भाई और यार 9 साल भाई बहुत होते हैं मामा जी हमारी एज कैसे है कुछ कितने साल का फर्क है अपने में यार मैं 30 का हूँ ज्यादा फर्क नहीं है फिर तो हाँ तो इसलिए तू क्या छोटा ये छोटे मामा है मेरे ठीक है आपका 9 साल का रिलेशनशिप था फिर शादी वाले दिन ना मेरे को जो मैं बता रहा हूँ ना फेस वॉश वाला तो भाई उस दिन मेरा बैग का पेपर ये बैग वाला पोर्शन काट दिया मतलब ये हर जगह नहीं बताया वो मैंने तो मेरे को फोन आया कि मेरे ना मामा जी देखने आ रहे हैं तो आप ना थोड़ा सा वो सैलून वैलून होके ना बाल वाल कटवा के आना और मेरे को बैग की टेंशन उस दिन मैं कुछ भी नहीं हुआ मैं गया घर वो गार्नियर का फेस वॉश है उससे मैं धोया मुंह स्पॉन्सर नहीं है और भाई मैं पहुंच गया मेरे को पता रिजेक्ट होना मैं फिर भी मैं उस दिन कुछ भी चला जाऊँ रिजेक्ट होना मतलब किससे जो मामी है उनकी फैमिली से फिर उसके बाद में फिर वो घर आए बहुत सारी चीजें लगी है वो इसका बैकग्राउंड उन्होंने बोला क्लेरिकल मिस्टेक नहीं मैं गया उन्होंने बोल दिया कि ये मतलब खड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा हमारे मतलब लड़की के साथ में लड़की बहुत अच्छी है और पग वाला मुंडा होना चाहिए okay, मतलब सरदार फैमिली कहती पग वाला मुंडा चाहिए अब लेकिन ये चीज तो ऐसे यार लाइव करके दिक्कत नहीं हो जाएगी पता चले कभी तलवार लेके आ जाएंगे भाई भाई हमारी मामी ने अपनी रजामंदी से शादी करी है ना भगा के थोड़ी लाए रजामंदी से है भाई तो क्या हो गया नहीं लेकिन अब शादी के बाद में मतलब बहुत अच्छे से भाई एक्सेप्ट कर लिया है 9 साल के रिलेशन के बाद में एकदम मतलब बढ़िया फर्स्ट क्लास मामी सिस्टम के अंदर और अब मामी राव साहब नहीं हो गई है यस और ये भी ये इसके आने के इसके गुर्री गोरांच गैरी इसको कनाडा भेजेंगे अभी गैरी टिम होर्टन्स में की भेजेंगे इसको चलो बढ़िया है ये भी बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी मामा जी मैं तो बहुत खुश हो गया इमोशनल थी काफी मतलब बैग के पेपर वाले दिन कौन आता घुमा देने बात इट्स ओके और थोड़ी वैसी बात थी जो बता नहीं रहे थोड़ी और ऑफेंसिव वो ऑफलाइन चलो मैं एक बार ऑफलाइन करता हूं अब बताओ क्या सिस्टम था ना यही था अरे वो बता तो रहा था जिस दिन वो पानी भरा हुआ था लेक व्यू हां वो लेक व्यू पे तो हमारा घर है ना लेक व्यू वो लेक व्यू में क्या हुआ लेक व्यू था लेक व्यू में बोट में कौन था दूसरी चाची ओदे चालू करा चलो भाई आज का रेडियो इतना ही भाई है मेरे को बोतल लेना था नहीं मैं ले लेता
Look who's back. Chuku is back. हम कितने जने गए थे? हम तो चार गए थे, पांच कैसे आ गए? कुछ कह रही है, कुछ कही इसमें. क्या कही है भाई? हमें बोल के इसके दांत हैं. लोगे छह दांत हैं मेरे. वेरी नाइस यार, इतने तो हमारे भी नहीं है. हम भी डर जाते हैं छह दांत वालों से. तो बाहर का भी कर काऊं क्या यार? ये बड़ी ड्यूटी है गेट बंद करने की, माँ की कसम. लो जी बंद. ये क्या है देखो, व्हाट्स दैट? ये तो समझ आता है, ये भी समझ आता है. व्हाट्स दैट? मारू अभी तेरे. क्या है, है? इसके हाथ तक खोसले मोटे शीशा शीशी खोसी. सुन देख बात, तू अपने मन में ज्यादा बंट रही है. इधर बैठ, यहाँ बैठ. देखा तू बैठ सकती है? चुपचाप दांत दिखा दे. दांत अब ती दिखाई, दांत दिखा दे. अच्छा सुन मेरी बात. मम्मी परेशान होगी छोटे बालक से. जब मेरे बालक होंगे जब परेशान ना हो जाएगी ज्यादा. इससे परेशान ना, इसे तो बोलना भी ना आवे. तो 1 साल की तो हुई है अभी. 1 साल में तो बालक इंग्लिश बोलने लग जावे. सुन मामा बोल. क्या बोलना सिक्की? मामा बोलियो. मामा जी हूं तेरे में. मां हां बोल लड़ जाएगा तेरे. इसे अंदर करके बंद कर दू. बेटा अंदर जाइए एक बार. इसे अंदर करिए. इसको इसे अंदर कर दे. इसे थोड़ा ट्रॉमा देते हैं. स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तुझे. आ जा. बाहर क्यों भागा है तू? मैं कह रहा हूँ एक काम करते हैं, इसे अंदर करके बंद कर देते हैं एक बार. देखे तो सही क्या करे, देखे तो सही क्या करे. थोड़ा रो लेगी. छोटे वाला रोते अच्छे लगे. रुकेगी ना? अरे रुकेगी ना, एक बार इसे बंद करके देखेंगे. जल्दी जल्दी आ जा जल्दी. 1 2 3 गो. कुछ बोल लिया है वो. खोल मत, पीछे खड़ी होगी. अरे क्या उठा के खा जाएगी? देखो खुद खोल ले. लाइट जल रही थी ना. अच्छा लाइट ले फिर बंद कर. एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम भाई. चुका देख रही हूँ भाई. बच्चा नहीं रो रहा यार. कह दो कम से कम चाचा बना तुम्हारा भाई है. स्ट्रॉन्ग गर्ल. कमेंट शेयर सब्सक्राइब. सो गाइज ये था फैमिली ब्लॉग. बहुत दिनों बाद देखने को मिला हमें अलविश यादव की तरफ से. सो फाइनली आप मामला को बहुत ज्यादा शॉर्ट आउट लग रहा है. तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. और बने हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसी अगली रिएक्शंस वीडियो में. टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा.